गाइस लाइफ फीड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लेके आ रही हूँ। रश्मि देसाई एंड राजीव दातिया दोनों बात कर रहे होते हैं और इन दोनों के कॉन्वर्जेशन में कहीं ना कहीं एक जो है दिलासा देने की कोशिश जो है राजीव दातिया रश्मि देसाई को कर रहे होते हैं कि तू तो अभी तक हार मत मान, शायद तेरे पास और एक मौका है अपना VIP टिकट जीतने का और इस गेम में बने रहने का, फिनाले वीक में जाने का। बताती हूँ क्या है सारी खबर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख रहे हैं आप मेरे साथ फाफूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त विदांगी करने के। कल का जो टास्क था लाइव फीड में, जो टास्क हुआ था, मैंने क्वीन चैलेंज था, सबसे ज्यादा आपको जो है साइंस लेने थे और VIP सबसे ज्यादा जिससे सपोर्ट करते हैं वही नॉन VIP मेंबर VIP मेंबर बन जाता है और उसी के चलते तेजस्वी प्रकाश जो है आखिरी VIP मेंबर बन जाती है। मैं आखिरी इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो टास्क की जो चिट्ठी थी उसमें लिखा गया था काफी साफ तरीके से कि ये आपके पास आखिरी मौका है टिकट टू फिनाले जीतने का। तो कहीं ना यहाँ पे जो वर्ड है जीतना, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ हो सकता है अलग। कैसे, बताती हूँ आपको, क्योंकि राजीव दातिया जब रश्मि देसाई से बात कर रहे होते हैं तब उन्हें कहते हैं कि रश्मि तो अभी तक हार मत मान, अभी तक मेरे क्या पूरे पावर्स है, मुझे अभी तक बिग बॉस से पता चलने बाकी है क्योंकि मेरा जर्नी यहाँ पे आप लोगों के साथ इतना ही था, टिकट तो फिलहाल जीतने तक का ही था किसी को, या फिर इसके आगे भी मेरे पास कुछ पावर है। अगर बिग बॉस ने कुछ कहा तो शायद तेरे हाथ में एक और बार मौका आ सकता है, तो अगर मुझे चांस मिलेगा, भले वो इन्होंने ये बात डायरेक्टली नहीं कही लेकिन मतलब यही है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे वो ताकत और मिलती है, कोई पावर और मिलती है, तो मैं कहीं ना कहीं तुझे ही बचाऊंगा। और ये काफी क्लियर है कि अगर राजीव दातिया को दी जाती है फिर एक बार कोई पावर, जाते जाते जो बचे हुए तीन खिलाड़ी है जो फिलहाल नॉन इम्यून है, नॉन VIPs है, यानी बिचुकले, देवुलीना एंड रश्मि देसाई, तो अब इनमें से शायद ऐसा लग रहा है कि दो जन जा सकते हैं, एक जन रुक सकता है, लेकिन एक जन जो रुकेगा उसका क्या होगा, क्या वो इंसान VIP बन जाएगा या क्या होगा, ये तो वक्त आने पता चलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसको सबसे लोएस्ट वोट्स है वो बाहर जाएगा, जो दो बचे हुए हैं उनमें से राजीव के पास मौका होगा चूज करने का कि उन दोनों में से किसको आप VIP बनाना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं अगर राजीव के हाथ में ये पावर आती है तो रश्मि देसाई के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा क्योंकि जहां तक उनका एक उम्र वाला कॉमन कनेक्शन है और दोनों की दोस्ती भी काफी अच्छी है, तो अगर उम्र के चलते अगर जो पावर है वो राजीव को मिलती है तो डेफिनेटली उम्र की सबसे स्ट्रांग कनेक्शन और कहीं ना कहीं एक लव इंटरेस्ट भी बोला जा सकता है, रश्मि देसाई बच सकती है। ये तो अभी फाइनल हमें बाद में ही पता चलेगा लेकिन फिलहाल जैसे चल रहा है उस हिसाब से ऐसा ही बोला जा सकता है कि राजीव के हाथ में अगर कोई पावर आती है तो रश्मि देसाई गेम में जरूर बनी रह सकती है। क्या है आपका कहना, आपको क्या है लगता है इसके ऊपर, जरूर कमेंट करके हमें बताइए और हमारे साथ यही बने रही फीफा हाउस पे। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।